आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी ठाकुर। किशनी नगर पंचायत के सदर बाजार में काफी समय से खराब पड़े वाटर कूलर को स्थानीय लोगों ने सही करवाने की मांग की है। वाटर कूलर खराब होने के चलते लोगों को पीने के पानी के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अमित चक की रिपोर्ट। गुरुवार को सदर बाजार में डेढ़ दर्जन लोगों ने ईओ दुर्गेश कुमार सिंह से नगर पंचायत कार्यालय पर शिकायत की। उन्होंने बताया सदर बाजार में ग्रामीण बैंक के पास लगा वाटर कूलर काफी समय से खराब है। इसकी शिकायत करने पर कर्मचारी इसको सही करने नहीं आते और वाटर कूलर सही ना होने की रिपोर्ट लगा देते हैं। वाटर कूलर के नज़दीक मौजूद बैंकों से आने वाले लोगों को पानी पीने की समस्या लगातार हो रही है। वाटर कूलर में कभी कभार करंट आने से लोग भी घायल हो चुके हैं। उन्होंने नया वाटर कूलर लगवाने की मांग की है। शिकायत करने वालों में विवेक चौहान, अतुल कुमार, बदरुद्दीन, नरेंद्र सिंह, गौरव कुमार सहित आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम है आपका? जाफीदार सिंह। किस विभाग में आप? नगर पंचायत के सुनी। किस पद पर? ट्यूबवेल ऑपरेटर। तो ये क्या हासिल करने आए हैं आप? फ्रीजर की वो टोंटी। तो ये खराब क्या है? क्यों खराब है? पानी चलेगा तो खराब हो जाएगी। ये तो बहुत दिनों से खराब है, महीनों से खराब पड़ा है। तो उसकी ये आप अभी शिकायत भी उसके आधार पर मैं चेक करने के लिए आया हूँ। सर बैंक के पास जो खराब है वाटर कूलर, इसकी शिकायत आपके पास आई है, क्या मामला है? उसको चेक करवाने के लिए भेज दिया गया है। हमारे यहाँ जो कर्मचारी है उसको भेज दिया गया है, वो चेक करके आया है। अभी लाइट आती है तो करंट की समस्या जो उसको देख लिया जाएगा। अगर वो खराब होता है उसमें नया जो है कुछ दूसरा हमारे पास पीस रखा होगा तो वहाँ पर दूसरा इंस्टॉल करवा देंगे।